मजबूती से अपना पक्ष रखने जा रहा है। और देखिए क्लाइमेट चेंज में सबसे ज्यादा अगर प्रभावित कोई देश है तो वो अमेरिका है। हिमानी का इशारा रुक कर जी। हिमानी ओवर टू यू। क्या है थोड़ा ये तो अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स के लिए है। सैंडलवुड का एक पीस है, इसमें बिना किसी जोड़ के सिंगल पीस में पहले ये लीफ बनाई है, फिर इन लीफ के सुराखों में से ही बिना किसी ज्वाइंट के अंडरकट पैलेट बनाया। इसके अंदर तोता है, वो बिना किसी ज्वाइंट के बाहर से ही कार्विंग किया है। और इन्होंने G20 का कल्चरल फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया था हरियाणा में, तो काफी इनका सूरज कुंड में, तो इनका काफी योगदान रहा है हमारे G20 एफर्ट। सर एक और मंडप जो अपना ध्यान सबकी ओर खींच रहा है वो है डिजिटल इंडिया जो है, और वो डिजिटल ताकत दरअसल उसके जरिए भारत की दुनिया देखेगी। जैम के ऊपर दरअसल वो आधारित है, जनधन हम वहां देख रहे हैं, आधार हम देख रहे हैं, ये मॉड्यूल एक देखने को मिल और ई संजीवनी भी है। ई संजीवनी से अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट मीडिया को कुछ मतलब कोई बीमारी हो या कोई मतलब माइनर का हेडेक वगैरह जो भी हो, डिजिटल मोड से एक डॉक्टर का इमीडिएट कंसल्टेशन हो सकता है, दवाई मिल सकती है और इलाज भी हो सकता है इमीडिएटली। तो ये आज का इंस्टेंट डेज में इंस्टेंट सोल्यूशन भी हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म चला के इस्तेमाल करके इनके प्रैक्टिकेबल डेमोन्स्ट्रेशन करके हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं हमारे कटिंग एज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बस एक आखिरी सवाल और, क्योंकि ई वॉलेट का जिक्र यहाँ पर हो रहा था, मोबाइल वॉलेट का जिक्र यहाँ पर हो रहा था, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। तो आपने शायद देखा होगा कि हॉल सी पे जब आप अंदर के अंदर आते हैं तो यहाँ पे एक RBI का बिल्कुल हिमानी हम वापस लौटेंगे। जिस तरीके से आप लगातार जो खास मेहमान भी यहाँ पर भी पहुंच रहे हैं स्टॉल्स पर, उनसे भी आप लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सलोनी जो जानकारी मिल रही है कि इमैनुअल मैक्रों की बात यहाँ पर की जा रही थी कि उनका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। 12:30 बजे पहुंचेंगे। अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट थे उनकी तस्वीर इस वक्त हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उनका स्वागत यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अल्बर्टो फर्नांडेज की, और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति भी आप ऑस्ट्रेलिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी पहुंच चुके हैं, जिन्होंने बॉस कहा था प्रधानमंत्री को, वो संबोधन लोग भूले नहीं है। और बहुत दिनों तक अगर हम कहें कि ऑस्ट्रेलिया के जब राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं तो वहां भी वो तस्वीरें भी प्रधानमंत्री स्वागत के अंदाज में कर रहे हैं, हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। और भारत मंडपम खासतौर से इसीलिए सजा हुआ है, अपने आप में बेहद खास तस्वीर यहाँ पर दिखा रहा है। और एंथनी अल्बनीज ने जिस तरह से प्रधानमंत्री को बॉस करके संबोधित किया था, जो स्वागत वहां पे जब इंडियन डायस्पोरा को प्रधानमंत्री संबोधित करने पहुंचे थे, हाथ उठा के स्वागत, जो बॉडी लैंग्वेज देखी थी वही बॉडी लैंग्वेज बट फिर वही केमिस्ट्री सृष्टि दिखाई दे रही है। बिल्कुल जैसा आपने कहा कि एंथनी अल्बनीज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनकी तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, और जैसा सलोनी आप बता रही थी कि कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री का हाथ उठाकर और सीधे कहा था, जो तमाम भारतीय वहां पर थे उनके सामने, कि मोदी इज द बॉस। उसके बाद ये बात निकलकर सामने आई थी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो कद है, अभी जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें वाकई इंडिया इज द बॉस के तौर पर अगर हम देखें, भारत एक बॉस की तरह यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एजेंडा हम सेट कर रहे हैं और क्योंकि भारत एक चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान लेकर पहुंचे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो गर्मजोशी हमने तब भी देखी थी और वही गर्मजोशी आज भी नजर आ रही। देखिए जिस तरह से हाथ मिला रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को, सृष्टि हम कहें तो बॉडी लैंग्वेज देखने से समझ में आ रहा है कि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है। और कैनेडियन प्रेसिडेंट पहुंच चुके, जस्टिन ट्रूडो की तस्वीर कल देर रात भी आपने देखी जब वो पहुंचे थे, और कैनेडियन प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री अब उनका स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चेहरे पर, जैसा सलोनी लगातार कह रही है, कि एक बॉडी लैंग्वेज जो है हमारे जो G20 के मेंबर्स हैं अब उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है, उनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और कैनेडियन प्रेसिडेंट यानी कि जस्टिन ट्रूडो यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनकी तस्वीर आप देखिए और कैसे उनका स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, और जस्टिन ट्रूडो से कई मुद्दों पर बातचीत की भी उम्मीद की जा रही है, जैसे कि हमने कहा ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो पहुंचे ऋषि सुनक, उनसे भी खालिस्तानी जो एजेंडाधारी हैं उनको लेकर बात हुई थी, उन्होंने मुखर होकर बात रखी थी, और जस्टिन ट्रूडो से भी इस मामले में बातचीत की उम्मीद है सृष्टि। बिल्कुल, क्योंकि कनाडा की अगर बात करें तो वहां ये गतिविधियां ज्यादा देखने को मिली है और इसको लेकर सख्ती भी दिखाई गई थी, हालांकि उन मुद्दों को लेकर भी यहां पर बातचीत होगी, क्योंकि यही वैश्विक चुनौतियां हैं जिसकी बात जो हर हमारे G20 के मेंबर्स हैं वो इससे जूझ रहे हैं, कि ग्लोबल गुड भारत करना चाहता है, तो ग्लोबल गुड करने के लिए जो तमाम मेंबर कंट्रीज हैं उन्हें भी आगे आना होगा। जब हम कहते हैं कि भारत उन अनसुने देशों की आवाज बनना चाहता है, अफ्रीकन यूनियन का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, तो भारत एक मंच देना चाहता है उन देशों को भी जो विकासशील है, क्योंकि हम विकासशील से विकसित की ओर जा रहे हैं और जो अभी और पीछे हैं उनको मदद देना, भारत एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं वही तस्वीर आज नजर आ रही है। बिल्कुल, सबको साथ लेकर चलने वाली बात, जो वन अर्थ की बात यहाँ पर लगातार की जा रही है, वन अर्थ और वन फैमिली जो पहला सेशन होगा सलोनी वो वन अर्थ को लेकर ही होगा, जिसमें ये तमाम वैश्विक चुनौतियों को लेकर यहाँ पर बातचीत की जाएगी। और इसी के साथ में अपने और सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। अनामिका ओवर टू यू। तो
और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके हैं जस्टिन ट्रूडो। जिस वक्त वो पहुंचे थे कल भारत, उस वक्त उन्होंने जब भारत की कलाओं को देखा था, भारत के रंगों को देखा था, तो करीब 5 मिनट तक रुककर वो समझ रहे थे, देख रहे थे कि क्या भारत के रंग है, क्योंकि भारत आने का मौका जब उन्हें मिला है किस तरीके से। और यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वोन डेर लेयन पहुंची हुई है इस वक्त। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री इनका भी गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। और ये तस्वीरें इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री जिन जिन देशों में गए हैं, जिस तरीके से बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री का स्वागत वहां पर हुआ है, वैसे ही उससे बड़े तरीके से बल्कि एक संदेश देने के साथ साथ स्वागत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और तैयारियां किसी से छिपी हुई नहीं है, पिछले करीब 7 से 8 महीने से दिल्ली में तैयारियां लगातार की जा रही है और इसीलिए ये तैयारियां और खास हो जाती हैं। और जब ये मेहमान यहां पहुंचते हैं, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट इस वक्त पहुंचे हुए हैं चार्ल्स मिशेल, जिनका प्रधानमंत्री ने स्वागत किया है। और धीरे धीरे जैसे जैसे तमाम नेतृत्व का पहुंचना शुरू हुआ है, उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री सबका स्वागत भी कर रहे हैं। और जो दोनों के चेहरे के हाव भाव है, बॉडी लैंग्वेज है, उससे एक बात साफ है कि मिलकर कैसे पूरे विश्व को मजबूत करना है, इस पर बातचीत होने वाली है और प्रगाढ़ बातचीत होगी। मृदुल और श्वेता, ओवर टू यू। बिल्कुल, शार्ल मिशेल यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है सामरिक तौर पर भी ये जो मुलाकात है। अब देखना होगा, द्विपक्षीय वार्ता भी यूरोपियन काउंसिल से जहां होनी है, एक तरफ एक एक करके मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक करके स्वागत कर रहे हैं। G20 में फिलहाल ये एक लौता संघ है और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर इस समय हम देख पा रहे हैं भारत मंडपम के बाहर से, एक एक करके जो पहुंच रहे हैं, एक एक करके यहां राष्ट्राध्यक्षों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर अपने जस्टिन ट्रूडो को देखा, यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन यूनियन, और इसके बाद अब देखना होगा किस राष्ट्राध्यक्ष, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट तो पहुंच गए हैं, अब देखना होगा कि और कौन सी तस्वीर एक एक करके आ रही है। जर्मन चांसलर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर का स्वागत किया है, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। और जर्मनी के साथ कई सारे ऐसे मसले हैं जिनको बढ़ावा देना है, एक एक करके ये आप तस्वीर देख रहे हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ श्लोज, और यहां ओलाफ का पहुंचने का मतलब ही आप ये समझिए, जर्मनी के साथ भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, यूक्रेन रशिया वॉर के बाद जो हमारे संबंध हैं वो और ज्यादा प्रगाढ़ हुए हैं, क्योंकि भारत ने तटस्थता बहुत अपनी रखी है। और G20 समिट के दौरान G7 देशों के साथ अभी हाल ही में एक बैठक हुई थी, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी, लेकिन अब G20 में भी भारत अपनी मजबूती के साथ बातचीत रखेगा और जर्मनी के साथ क्या चर्चा होनी है इस पर भी अब दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। ये देखिए आप एक एक करके पहुंचने का सिलसिला जारी है और हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है और उन्होंने भी सामने अभिवादन किया है हाथ जोड़कर। तो ये जर्मनी के साथ साथ और भारत के लिए भी बहुत अहम रहने वाला है और कुछ चर्चाएं भी हुई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में भी पूछा है। सृष्टि और सलोनी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, अब उनका रुख करते हैं, एक एक करके राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। बिल्कुल मृदुल, जैसा आपने कहा कि एक एक करके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, जर्मन चांसलर यहां पर पहुंचे, सलोनी उनकी तस्वीर हमने दिखाई, और जैसा मृदुल बता रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य को लेकर भी प्रधानमंत्री ने यहां पर उनसे जानकारी ली है और हाथ जोड़कर उन्होंने अभिवादन भी स्वीकार। ये जो हमारा अंदाज है, ये जो हमारा ह्यूमैनिटेरियन एंगल है, क्योंकि हम कनेक्ट करते हैं प्रधानमंत्री, यही वजह है कि करिश्माई नेतृत्व के लिए यहां भारत में भी जाने जाते हैं। और जब हम ग्लोबली देखते हैं तो एक जो हमारी बात को गंभीरता से लेने का, गंभीरता से सुनने का नया मादा पूरी दुनिया में डेवलप हुआ, वो इसी एटीट्यूड की वजह से हुआ है सृष्टि। और इसीलिए कहा जाता है कि ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है, जो अपनी बातों को रखना भी जानता है, व्यापार भी करना जानता है, आगे बढ़ना भी जानता है, और इसी के साथ में जो संबंध है, जैसा आपने कहा कि एक कनेक्ट बनाना, वो भी यहां पर जानता है। और धीरे धीरे करके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, अब इंतजार है कि आगे कौन से खास मेहमान यहां आने वाले हैं जिनका स्वागत प्रधानमंत्री करेंगे उसी गर्मजोशी के साथ। बिल्कुल उसी गर्मजोशी के साथ। और देखिए पूरे साल G20 की अलग अलग बैठकें, हम कह रहे थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक 220 से ज्यादा बैठकें, 125 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स जब पहुंचते हैं और हर जगह वो भव्य स्वागत किया जाता है, तो ये जो अध्यक्षता मिली है ये दुनिया नहीं भूलने वाली है। और मैं बार बार कह रही हूं कि दूसरे देश जिसको अब ये अध्यक्षता मिलेगी उसके सामने भारत के इतना बड़ा जिस तरह का आयोजन रहा है उसके बाद बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा इस तरह का आयोजन करना। बिल्कुल, इस तरह का आयोजन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज यहां पर रहेगा। और इसी के साथ में देखिए अब इंतजार है कि आगे कौन कौन से खास मेहमान हमारे यहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो तमाम अहम मुद्दे हैं। और भारत ने क्लाइमेट चेंज को लेकर भी ये मुद्दा एड ऑन किया है, और सबसे बड़ी
साथ डिजिटल पेमेंट को लेकर भी उन्होंने जो है वो यहाँ पर मेंशन किया। और इटली की पीएम पहुंच चुकी है जॉर्जिया मेलोनी, उनका स्वागत किया गया था बेहद खास तरीके से, और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इटली की पीएम अब पहुंच चुकी है, एक एक करके जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं जिनके साथ बायलेटरल्स भी हैं, तो ऐसे में आज 3 बायलेटरल्स हैं अगर देखें तो, जर्मनी के साथ है, इसके अलावा ब्रिटेन के साथ है और इटली के साथ भी है, तो ये उम्मीद काफी है। तो ये द्विपक्षीय जो वार्ता होनी है उसका इंतजार यहाँ पर है, लेकिन पहले खास मेहमानों का स्वागत यहाँ किया जा रहा है जो G20 के मेंबर्स हैं। रुक करते हैं अनामिका का। तो जॉर्जिया मेलोनी को इस वक्त आप तस्वीर में देख रहे हैं जो इटली का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जो इस वक्त पहुंची हुई हैं। उधर सलोनी और सृष्टि भी बता रही हैं कि बड़े अलग तरीके से इनका स्वागत किया गया था, और जितने भी मेहमान यहां पहुंचे हैं सबका भारत के अलग अलग जो राज्य हैं सभी राज्यों की परंपरा के मुताबिक सबका स्वागत किया गया है। एक बात का जिक्र भी और हुआ है कि कैसे भारत में अलग अलग जगहों पर G20 बैठकों का आयोजन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर, वाराणसी, भुवनेश्वर, दिल्ली में अब ये बड़ी बैठक हो रही है, यानी देश के कोने कोने में जो बैठकें आयोजित की गई हैं। इसके पहले तमाम देशों के जो डेलीगेट्स पहुंचे थे उन्होंने जाकर बताया कि भारत किस तरह से तैयार है, उसके बाद वहां के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंचे हुए हैं। और एक और तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जो मेहमान यहां पहुंचे हुए हैं, क्योंकि मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, और जैसे जैसे और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा यहां पर पहुंचे हुए हैं जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं, और जैसे ही प्रधानमंत्री के पास ये पहुंचेंगे दोनों का चेहरा और दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखने वाली होगी। कि जब मैं बार बार इसलिए कह रही हूं कि जब ये एक वो खाली पैसेज से आते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि क्या तैयारियां की गई हैं, लेकिन वो जैसे अपने सामने प्रधानमंत्री को देखते हैं तो दोनों के चेहरे पर खुशी और वो कनेक्ट हम फील कर पाते हैं कि जब तमाम देशों में प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। पिछले दिनों जापान जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे G8 की बैठक में शामिल होने के लिए, उस वक्त जापान में रहने वाले भारत के लोगों ने हिरोशिमा में किस तरीके से उनका स्वागत किया था, और खुद किशिदा ने भी उनका स्वागत किया था, और प्रधानमंत्री ने भी बताया था कि जापान के साथ मिलकर किस तरह के से हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए और विश्व को मजबूत करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। मेहमानों का आने का सिलसिला लगातार जारी है, तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और अगला मेहमान कौन पहुंचने वाला है जानते हैं श्वेता मृदुल से। बिल्कुल, देखिए जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा यहां पर पहुंचे और एक एक करके मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बहुत अहम ये तस्वीर होने वाली है क्योंकि बायलेटरल टॉक्स जो होनी है, द्विपक्षीय वार्ता जो होनी है, अमेरिका के साथ हुई है, कई मसलों पर बातचीत हुई है। अब देखना होगा जो बाइडेन भी कब तक आएंगे, क्योंकि एक एक करके जो सदस्य देश हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। और श्वेता भी मेरे साथ में, मेरी सहयोगी जुड़ गई। श्वेता, फुमियो किशिदा पहुंचे और सदस्य देश पहुंचने लगा। बिल्कुल, देखिए अभी तक देखें तो 8 सदस्य देश पहुंच चुके हैं, और सबसे अंतिम में माना जा रहा है जो प्रोटोकॉल के तहत है वो जो बाइडेन आएंगे। तो अभी जितने भी सबसे पहले जो प्रोटोकॉल होता है वो जब कोई देश जो G20 की अध्यक्षता करता है वो जो जिन खास देशों को बुलाता है जो सदस्य नहीं होते वो सबसे पहले आते हैं, और उसके बाद सदस्य देशों का आगमन हो रहा है, ये हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं जो एक और फ्रांस है जो सदस्य देश है वो उनके जो राष्ट्रपति है एमनुअल मैक्रों वो 12:30 बजे भारत पहुंचेंगे, तो उस तरह से जो बड़ा कार्यक्रम है आप ये समझिए। कोरियन प्रेसिडेंट पहुंच गए हैं यून सुक योल। हाँ, और ये समझिए मृदुल, ये जितने भी खास लोग पहुंच रहे हैं महज आधे घंटे के बाद, ये जो पीछे हम आपको दिखा रहे हैं भारत मंडपम के लेवल नंबर वन पर जो फर्स्ट सेशन है वन अर्थ का वो शुरू हो जाएगा, यानी पहले फोटो सेशन होगा और उसके बाद जो वन अर्थ का जो पहला सेशन है वो शुरू कर दिया जाएगा, यानी महाबैठक की जो शुरुआत है वो 10:30 बजे हो जाएगी। और यून सुक योल को हम देख रहे हैं, यून सुक योल का स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और अब इंतजार है बाकी तमाम सदस्य देशों का। हिमानी का एक बार रुख करते हैं। हिमानी, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो जिस तरह से तस्वीरें आप दोनों दिखा रहे हैं श्वेता और मृदुल, एक एक करके तमाम जो सदस्य देश हैं अब उनका आना यहां पर शुरू हो गया है, और जाहिर सी बात है कि अब एक वो मेहमान जिन पर निगाह टिकी हुई है, क्योंकि अब 10:30 बजे का वो वक्त होगा जब बैठक शुरू हो जाएगी, वो तमाम यहां पर वेलकम स्पीच होगी और उसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू होगी। और जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, सलोनी भी यहां पर बोल रही थी, सृष्टि भी यहां पर बोल रही थी कि वो आते के साथ ही जो जो मेहमान एक एक करके वहां पर आ रहे हैं वो आसपास भी देख रहे हैं, तैयारी देख रहे हैं, पूरा भारत की वो जो कल्चर है वो दिखाई दे रहा है उसको देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अब आने जब नेक्स्ट जो प्रेसिडेंसी जिनके पास होगी यानी कि ब्राजील के पास, तो वो तो कह भी चुके हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, जिस तरह से भारत ने
ने एक पूरा एक कहते ना कि एक माइलस्टोन जो है वो सेट कर दिया। बिल्कुल, और लगातार जो है तमाम राष्ट्राध्यक्षों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। और कुछ देर पहले आपने जापान के जो पीएम है फुमियो किशिदा उनके पहुंचने की तस्वीर देखी। इसके अलावा साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है यून सुक योल वो पहुंचे, और लगातार इसी तरीके से तमाम राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंच रहे हैं। जो बाइडेन जो है वो भी पहुंचेंगे कुछ देर के बाद, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे उनकी अगवानी यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जो द्वार बनाया गया है भारत मंडपम का, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, और सभी राष्ट्राध्यक्षों का लगातार जो पहुंचने का सिलसिला है वो यहां पर जारी है। बिल्कुल, और इस वक्त जो तस्वीरें हम यहां पर दिखा रहे हैं, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरिल रामफोसा इस वक्त पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक एक करके तमाम वो जो मेहमान हैं उनका आना यहां पर जारी है। वो फोटो ऑप जो इस वक्त चल रहा है, फिर जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि वेलकम स्पीच होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्या कुछ उस वेलकम स्पीच में कहा जाता है उस पर जाहिर तौर पर सभी की निगाहें होगी, और फिर उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है, जो पूरा कार्यक्रम है वो शुरू होगा, और कल तक पूरा 12:30-1 बजे के करीब तक ये पूरा जो कार्यक्रम है वो दरअसल चलना है। लेकिन साथ ही साथ मेहमानों का आने का वहां पर लगातार सिलसिला जारी है। बाकी अलग अलग जो तस्वीर है, जो रंग है, जो छटा दरअसल बिखरी हुई है इस भारत मंडपम पर, उस अलग अलग मंडप से भी हम आपको तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं। ये जहां से आपको सीधी तस्वीरें श्वेता और मृदुल दिखा रहे हैं, साथ ही साथ एक दूसरे हॉल में हमारे साथ सृष्टि और सोलोने भी मौजूद है, और खुद मैं और सुमित जहां पर इस वक्त मौजूद है वहां के भी जो रंग है तमाम वो आपको दिखा रहे हैं। जहां पर जो विविधता है दरअसल वो यहां पर नजर आ रही है, वो डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी, वो डाइवर्सिटी जो इस एक हॉल के भीतर है। और भारत मंडपम को पूरी तरीके से जो है वो चरित्रार्थ करते हुए ये तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। सलोनी सृष्टि का यहां पर रुख करेंगे। सलोनी, ओवर टू यू। बिल्कुल सुमित और हिमानी, आप जो बात जिक्र कर रहे थे ब्राजील के सामने वाकई में चुनौती है, और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है, और जिस तरह से स्वागत किया जा रहा है, आप कह रही थी हिमानी फोटो ऑप का इंतजार है क्योंकि ट्री ऑफ फायर खासतौर से डिजाइन किया गया उस फोटो ऑप के लिए, और जब तमाम देश एक साथ वहां खड़े होंगे और एक फोटो खींचेगी तो वो फोटो अब विश्व को याद रहने वाली है, सबकी निगाहों में बस जाने वाली फोटो है, क्योंकि तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो चीजें की गई हैं इस दौरान G20 की अध्यक्षता के दौरान, भारत एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है और उसे तोड़ना, उसे बदलना बहुत मुश्किल है। और लगातार हम ये तस्वीरें सृष्टि दिखा रहे हैं, राष्ट्राध्यक्षों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, और तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं वो इस वक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं, जिनकी तस्वीर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। ये इस वक्त तस्वीरों के जरिए आप यहां पर देख सकते हैं। बिल्कुल, तैयब अर्दोगन पहुंचे हुए, और तुर्की की मदद जब भूकंप आया था तो भारत ने मदद सबसे की थी, हालांकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं सृष्टि जिसको तुर्की बहुत आगे बढ़ के मदद नहीं करता, भारत का साथ नहीं देता। बिल्कुल, और ये भारत की खासियत थी कि जब भी परेशानी में कोई भी देश पड़ा है, भारत ने सामने से आकर, चाहे वो कोविड का टाइम हो, वैक्सीन की सप्लाई करने की बात हो, या फिर वो भूकंप की बात हो, भारत ने हमेशा से आगे बढ़कर मदद की है। बिल्कुल, तैयब अर्दोगन पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री उनका बहुत विस्तृत तरीके से स्वागत कर रहे हैं, और ये हमारी परंपरा है, स्वागत जो हम करते हैं भारत में जिस तरह से सांस्कृतिक स्वागत करते हैं वो यादगार रहने वाला इन तमाम राष्ट्राध्यक्षों के लिए भी। तैयब अर्दोगन का स्वागत कर रहे हैं तुर्की के राष्ट्रपति हैं जो पहुंच चुके हैं इस बैठक में शिरकत करने, क्योंकि सिर्फ आधे घंटे का वक्त अब सृष्टि बचा है, और ऐसे में बैठक के लिए तमाम जो बड़े चेहरे हैं जिनका इंतजार सब कर रहे हैं, वो बाइडेन का सबसे ज्यादा इंतजार है, लेकिन जैसा कि श्वेता कह रही थी कि प्रोटोकॉल के लिहाज से वो सबसे आखिर में आएंगे। बिल्कुल, सबसे आखिर में आएंगे, और जैसा आप लगातार कह रही हैं कि उन्हीं के ऊपर सबकी निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा दोस्त अमेरिका और इंडिया एक दूसरे में, दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छा दोस्त यहां पर मानते हैं, और वो दोस्ती हमें नजर भी आती है। फिलहाल रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनामिका का। सलोनी और सृष्टि, ये तस्वीर है सबसे खास, ये सबसे खास तस्वीर भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं, जिनको देखते ही देखिए दोनों ने हाथ जोड़कर, प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया, सभी का हाथ मिलाकर प्रधानमंत्री ने स्वागत किया, लेकिन ऋषि सुनक का स्वागत प्रधानमंत्री ने भारतीय परंपरा के अनुसार किया है, क्योंकि खुद ऋषि सुनक ये कहते रहे हैं कि भारत मेरे लिए परिवार की तरह है, और वो चीज आज इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों के चेहरे पर देखने को भी मिल रही है। हाथ जोड़कर जैसे अभिवादन किया प्रधानमंत्री ने, वैसे ही स्वीकार किया ऋषि सुनक ने, और ऋषि सुनक के आने का इंतजार इसलिए और खास था, ऋषि सुनक का पहुंचना इसलिए और ज्यादा खास था, क्योंकि ऋषि सुनक जब भारत आए, पहले वो कह रहे हैं कि मैं पहले भारत जरूर आया हूं, लेकिन अब आज मैं जब ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर यहां पर पहुंचा हुआ हूं और भारतीय मूल का हूं, तो मेरे लिए यह पल और ज्यादा गौरवान्वित करने वाला हो जाता है, और इसीलिए
प्रधानमंत्री के पास जब वो पहुंचते हैं तो दोनों के चेहरे एक ही खुशी और मुलाकात और बातचीत देखते ही बनती है। और ऋषि सुनक पूरे विश्व को एक संदेश दे रहे हैं कि किस तरह से हिंदू धर्म, सनातन धर्म सबको एक साथ पिरो कर सबको साथ लेकर चलने वाला धर्म है, और खुद बार बार ये बात ऋषि सुनक कहते भी रहे हैं। और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को इस वक्त आप देख रहे हैं, सर्गेई लावरोव पहुंचे हुए हैं इस वक्त, माफ कीजिएगा, जिनका प्रधानमंत्री स्वागत कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति नहीं पहुंच पाए हैं, व्लादिमीर पुतिन यहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनकी जगह सर्गेई लावरोव यहां पहुंचे हुए हैं जिनका प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। और लावरोव इसके पहले भी भारत आ चुके हैं, जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त भी वो भारत आए थे और उन्होंने भारत की भूमिका की सराहना भी की थी उस वक्त। मृदुल और श्वेता का रुख कर लेते हैं क्योंकि जो तस्वीरें बस सामने आ रही है वो बेहद खास है। श्वेता मृदुल, ऋषि सुनक यहां पहुंच चुके हैं, सर्गेई लावरोव पहुंच चुके हैं, अब इंतजार और खास मेहमानों का। बिल्कुल, सर्गेई लावरोव पहुंचे और यहां पर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ श्वेता, उसको लेकर प्रधानमंत्री पहले कह चुके हैं कि ये युद्ध का नहीं, और अब यहां G20 बैठक में भी क्या संदेश देना होगा ये भी देखना होगा। देखिए G20 में क्या संदेश जाता है ये बहुत अहम हो जाता है। देखिए सबसे अहम जो विषय हमें समझने पड़ेंगे वो क्या है, विषय सबसे अहम है जिसको लेकर के G20 आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, वो सबसे जो अहम मुद्दा है वो है मृदुल कि स्थायी तौर पर पूरी दुनिया में जो वित्तीय क्षेत्र को लेकर देखिए उसमें कितना स्थायित्व आता है। दूसरा सबसे अहम मुद्दा जो होता है वो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हमारा है कि जो ग्रीन कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, कम किया जाए, जो पर्यावरण क्षेत्र में अहम हो जाता है जिसका नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें हम देख रहे हैं चाहे अटलांटिक हो या आर्कटिक हो, ये तमाम ऐसे जो हमारे हिमखंड है वो पिघल रहे हैं। तो इसका जो सीधा सीधा नतीजा है वो किस पर होता है, दुनिया के तमाम देशों पर होता है, जिसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर होता है। और ये वो विषय है जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। देखिए जब हम बात कर रहे हैं वन अर्थ की, वन फैमिली और वन फ्यूचर, यानी कि आप भविष्य को देखते हुए आप बात कर रहे हैं। अगर आज का पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा तो भविष्य को आप कैसे लिख पाएंगे, अगर आज आप नहीं धरती को सुरक्षित रख पाएंगे तो फिर अपने परिवार को कैसे बचा पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा संदेश है जो आज G20 के जरिए दिया जाएगा। हाल ही में भूकंप से जूझा है भारत में भी, पहाड़ी इलाकों में इस वक्त हमने ऐसी बारिश देखी है, तबाही देखी है, तो ये क्लाइमेट किस तरह से बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसको लेकर अब चर्चा आज विशेष तौर पर की जाएगी। इसी के साथ साथ जो आप बात कर रही थी अर्थव्यवस्था के तौर पर, आर्थिकी के तौर पर, तो अब भारत दुनिया को बता रहा है कि डिजिटल आर्थिक क्रांति आ गई है, इसके लिए काम भी किया है। जनधन, आधार और मोबाइल तीनों को क्लब करके भारत ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है जो हमने भारत मंडपम में देखा है, जिसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं, जर्मनी के चांसलर पहुंच चुके हैं और अब इंतजार है जो बाइडेन का, एक एक करके आ गए हैं, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थोड़ी देर में आएंगे। हम लगातार अपडेट दे रहे हैं, 12:30 बजे का वक्त है जब फ्रांस के राष्ट्रपति आएंगे। एक बार रुख करते हैं हमारे सहयोगी हिमानी और सुमित का। बिल्कुल मृदुल, श्वेता, लगातार तस्वीरें बेहद अहम जो सामने आ रही हैं, तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं, ऋषि सुनक का पहुंचना अपने आप में बेहद खास, हालांकि तमाम जो राष्ट्र अध्यक्ष यहां पर इस वक्त रिप्रेजेंटेशन के लिए पहुंचे हैं, सभी देश अपनी अपनी अहमियत यहां पर रखते हैं, लेकिन ऋषि सुनक के साथ लगाव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ब्रिटेन के मद्देनजर तो है ही, और वो जो भारतीय पृष्ठभूमि और उनका प्रेम भारत को लेकर है उसको लेकर भी अहिमानी, न केवल प्रधानमंत्री का बल्कि ऋषि सुनक का भी। और वो जय सियाराम तो आपको याद होगा ही, वो भी कोई भी भूल नहीं पाया, वो तस्वीर भी और जिस तरह से उन्होंने कहा था और फिर किस तरह से वो छा गई थी पूरी दुनिया में वो तस्वीरें। लेकिन जिस तरह से अभी मृदुल आप यहां पर बात कर रहे थे कि किस तरह से इस G20 का जो मूल एजेंडा हमेशा हुआ करता, सुमित, हम देखते थे आर्थिक और वित्तीय तौर पर अगर हम देखें तो ये मूल एजेंडा हुआ करते थे, लेकिन अब देखिए किस तरह से जो एजेंडा है वो भी अब बदल गए हैं, किस तरह से एड ऑन होते हुए वो तमाम जो वैश्विक चुनौतियों की बात करें, हम जो चैलेंजेस दरअसल है अभी यहां पर जलवायु परिवर्तन की यहां पर बात हो रही थी, ना केवल इतना बल्कि विकासशील देशों को किस तरीके से सहायता देने की हो या फिर यहां पर भागीदारी हो महिलाओं को लेकर, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं दरअसल जो इस G20 का एजेंडा दरअसल यहां पर होने वाले हैं, जिस पर दरअसल चर्चा होने वाली है। और ये देखिए कि यही कारण है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि किस तरह से G20 का बिल्कुल एक नया आयाम गढ़ रहा है और भारत उसको किस तरह से चेंज कर रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो किस तरह से बदल रहा है। बिल्कुल, वर्ल्ड ऑर्डर लगातार जो है वो बदलता हुआ नजर आता है इन परिदृश्य में अगर देखा जाए। G20 की जब मेजबानी भारत कर रहा है पूरी दुनिया, न सिर्फ G20 के मद्देनजर, लगातार भारत की उभरती हुई शक्ति आर्थिक तौर पर भी, डिफेंस के सेक्टर में, यानी हर एक जो चुनौती है वो कहीं ना कहीं बड़ी होती हुई यहां पर नजर आ रही है। और वहीं इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, वो यहां पर इस वक्त पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी यहां पर इस वक्त
करते हुए तमाम राष्ट्राध्यक्षों की तरह आगे बढ़कर उन्होंने उनकी मेजबानी यहां पर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राष्ट्राध्यक्षों के साथ खुले दल के साथ उनका स्वागत G20 के इस महामंच पर लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। जोको विडोडो की तस्वीरें, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं उनकी तस्वीर इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं। बिल्कुल, और साथ ही साथ जिस तरह से यहां पर इंतजार हो रहा है, 10:15 का वक्त है, 10:30 बजे ठीक अब से 10 से 15 मिनट का और वक्त है जब आप यहां पर देखेंगे ये फोटो ऑप जो यहां पर चल रहा है और बार बार जिसका हम जिक्र यहां पर कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो वेलकम स्पीच होगी, उसका इंतजार यहां पर होगा कि क्या कुछ उस वेलकम स्पीच में यहां पर कहा जाता है। लेकिन देखिए, जो बाइडेन के बारे में बार बार जिक्र यहां पर हो रहा है, जाहिर सी बात है कि अमेरिका भी यहां पर कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि भारत क्या रखे एक्सपेक्टेशन, वो भारत से क्या रख रहा है, और साथ ही साथ भारत भी यहां पर कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यहां पर वो देखना होगा, क्योंकि देखिए चाहे हम यहां पर रशिया यूक्रेन युद्ध की हम यहां पर बात कर ले, फिर चाहे हम कोविड की बात कर ले, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं दरअसल। क्योंकि देखिए रशिया को चाइना को लेकर रुख साफ करें अमेरिका, यहां पर कहीं ना कहीं भारत भी एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन वहीं अगर हम देखें रशिया को लेकर तो अमेरिका भी यहां पर कहीं ना कहीं जा रहा है। फिर आप ये देखिए कि किस तरह से चाइना को लेकर तमाम चीजें हैं, चाइना जिनपिंग यहां पर नहीं आए, लेकिन उसको लेकर जो जिनपिंग है कि किस तरह से वो बच रहे हैं, या ये उनकी अपनी एक डिप्लोमेसी है, ये संयोग नहीं है बल्कि ये एक प्रयोग है कि किस तरह से वो उससे बचने की कोशिश भी कर। देखिए अगर तमाम राष्ट्राध्यक्षों की, तमाम देशों की अगर यहां पर बात हो रही है, तो भारत को जब एक बड़े परिदृश्य में देखा जा रहा है तो भारत की जरूरत भी अभी उन तमाम देशों को भी है। अगर मसलन हम सबसे बड़ी पावर अगर कहा जाता है इस वक्त अमेरिका को कहा जाता है, अमेरिका कहीं ना कहीं भारत को एक पॉजिटिव नजरिए से अगर इस वक्त देख रहा है तो उसकी वजह है, वो वजह जो भारत को कहीं ना कहीं सुपर पावर बनाने की ओर बढ़ाती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, चाहे वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, या फिर वो इन्वेस्टमेंट का इकोनॉमी के लिहाज से यहां पर देखें भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ईमानी अभी तक बन चुका है, और अब 3rd इकोनॉमिक पावर बनने का जो जिक्र है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अगले कार्यकाल तक हम 32वीं वर्ल्ड पावर जो है वो बन जाएंगे इकोनॉमी के लिहाज से। तो इन तमाम चीजों को, इन तमाम हालातों को, इन तमाम सर्कमस्टांसेस को, जहां एक तरफ न सिर्फ वर्ल्ड ऑर्डर के जो तमाम देश हैं वो स्वीकार कर रहे हैं, वो इसे मान रहे हैं, अमेरिका इसे बेहद बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं यहां पर जो है समझता है। ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है लूज इनको लुआला डी सिल्वा जो है वो यहां पर पहुंच चुके हैं, इसकी तस्वीरें इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं, डी सिल्वा की तस्वीरें जो कि ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी इस वक्त यहां पर कर रहे हैं और सभी राष्ट्राध्यक्ष एक के बाद एक लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। ब्राजील के लिहाज से भी ये जो वक्त है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगली जो मेजबानी है वो ब्राजील को ही कर रही है, और वहां से रिस्पॉन्स ये आया कि भारत ने जो मापदंड स्थापित कर दिए हैं G20 को ऑर्गेनाइज करके हिमानी, ये उन्हें मैच करना बहुत टिपिकल होने वाला है सक्सेसर्स देशों के लिए। इसीलिए देखिए जो तमाम आंखें देख रही है ना इधर उधर, उसमें ब्राजील की आंखें इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगली जो प्रेसिडेंशियली है जिस तरह से ये रोटेट होती जाएगी, तो एक वो हथौड़ा भी होता है, तो वो जो हथौड़ा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील को सौंपेंगे। उसका मतलब ही ये होता है कि वो जो शिफ्ट हो रहा है, वो ट्रांसफर जो हो रहा है, वो प्रेसिडेंसी जो ट्रांसफर हो रही है, तो अगली बार दरअसल प्रेसिडेंसी ये ब्राजील को ही करनी है। लेकिन बात हम लगातार उन मुद्दों की भी कर रहे हैं, यहां पर मल्टीलैटरलिज्म की अगर बात करें तो वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि किस तरह से दरअसल जो दुनिया है वो पोलराइज